हम यूपी का इलेक्शन लड़े। आपको हैरत होगी सुनकर, मैं अपनी बड़ाई बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शौकत है हमारे सदर यहां पर। 10,000 किलोमीटर गाड़ी में फिरा मैं यूपी में, 10,000 किलोमीटर पूरा यूपी फिरते थे गाड़ी में 10,000 किलोमीटर। आखिरी दिनों में उलन कठोला लिए, पूरा उत्तर प्रदेश फिरे, जलसे करे, बात करे लोगों से, मेहनत करे। तमाम मेरे मजलिसी रुफका जो जो हैदराबाद से गए थे अपने अपने एतबार से, बोलने की देर थी चले गए। इम्तियाज जलील को बोला, औरंगाबाद से लोग आ गए, बिहार सीमांचल से आ गए, अख्तर अली मान, नतीजा नहीं आया। मगर यह बोलना कि नहीं तुम वोट काटे, 400 सीट में 28 सीट पर कोई वोट काट सकता, कोई काट सकता 28 सीट लड़के? अरे असल बात तो यह है कि तुम तारा पान शाप का पान खाए नहीं, तुम मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम्हारी नामर्दानगी का इल्जाम तुम मुझ पर क्यों डाल रहे? तुम नहीं हरा सकते मोदी को, बीजेपी को, तो इसलिए बोल दिए मुसलमान को ब्लेम कर दो कि ओवैसी की वजह से हार गए। 28 सीट 402 सीट पर लड़े तो मेरी वजह से हारे। अखिलेश तुम अपने बाप के नहीं हुए तो तुम उत्तर प्रदेश के क्या होगे? कांग्रेस वालों तुम अपने आप को 100 साल की पार्टी बोलते, तुमको पॉलिटिक्स क्या है तुमको नहीं मालूम? मैंने काम किया जरूर, हो सकता कि मेरी जिंदगी में कामयाबी ना मिले, हो सकता कि मैं मर जाऊंगा, कई बरस गुजर जाएंगे, मेरी जिस्म की हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, शायद उसके बाद उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिले। मगर काम तो आज करना पड़ेगा ना। आज हजारों की तादाद में नौजवान यहां पर है, सुनो इस तारीख को। पहले मजलिस ने अपने सियासी सफर का आगाज बल्दिया इलेक्शन से किया। मरहूम कायद पहले रुकने बल्दिया बने, फिर एमएलए बने, और फिर 22 साल की मेहनत, जुस्तजू और इलेक्शन लड़ते लड़ते हमने हैदराबाद की एमपी सीट पर कामयाबी हासिल की। ये नादान बोल रहे क्यों गए? क्या तुम्हारा ससुराल है वहां पे तकलीफ हो रही जा रहे तुम?